24 घंटे में अगर हम बात करें तो एक राहत की खबर मिल रही है कि कोरोना के मामलों में पिछले दिनों के मुकाबले कुछ कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख से कम आए हैं। 24 घंटे में 2,81,386 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए। हालांकि चिंता की खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा आज भी 4,000 के पार है। 24 घंटे में 4,106 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,78,441 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो सरकार लगातार दावे कर रही है कि पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण का जो दर है उसमें कुछ हद तक कमी आई है। ये आपके सामने हमने आंकड़े रख दिए हैं जो 24 घंटे के हैं, 2,81,386। वहीं मौत का आंकड़ा चिंता पैदा करता है, 4,000 से ज्यादा, 4,106। 18,29,00,000 से ज्यादा लोगों को देश में अब तक कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन ड्राइव लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में कुछ हद तक कमी आई है जो दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में। 2,81,386 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी चिंता पैदा करता है। आपको बता दें कि कल के मुकाबले जो आंकड़े हैं उनका फर्क आप जान लीजिए। कल 3,11,170 मामले आए थे, वहीं आज 2,81,386। ABP News आपको रखे आगे।